वेलकम बैक टू डेफोडिल 2.0। आज हम लोग देखेंगे एसिड और बेस का जो डिफरेंस है क्या होता है, कैसे डिफरेंस कर सकते हैं एसिड और बेस में, कौन एसिड है कौन बेस, और ये समझते हैं क्या क्या डिफरेंस होते हैं एसिड और बेस में। तो एसिड हैविंग सावर टेस्ट, एसिड जो होगा वो खट्टा लगता है, सावर होता है टेस्ट में। बेसिस आर बीटर टू टेस्ट, बेस होता है बीटर है, जैसे साबुन, साबुन में बेस होता है, वो क्या है कि आंख वगैरह पे लग जाता तो जलन होता है, तो बेसिस जो होता है उसको बीटर टेस्ट होता है और एसिड जो है उसका सावर टेस्ट होता है। एसिड आर कोरोसिव, मतलब कि कुछ कुछ एसिड ऐसे हैं, कुछ तो हम लोग खाते हैं लेकिन कुछ एसिड ऐसे हैं जो हाथ वगैरह पे लग गया जलने लगता है, जला देता है, ये होता है। लेकिन बेस क्या होता है, स्लिपरी होता है, साबुन हो गया फिसल जाता है, चिकना बना देता है, सर्फ हो गया, इस सबमें क्या है डिटर्जेंट जितना भी है तो बेसिस है उसमें मिले हुए। एसिड जो होता है कोरोसिव होता है कि जल, इससे स्किन जल सकता है, डैमेज हो सकता है। कुछ तो लेमन है, ये सब जितना भी खट्टा वाला चीज हम लोग खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं, ये सब क्या है तो इसमें एसिड पाया जाता है। टमाटर हो गया इसमें पाया जाता है। एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड कलर, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। एक लिटमस पेपर होता है उसको क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है एसिड, और ये क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। ये भी दोनों में एक डिफरेंस है। और लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड और बेस का इंडिकेटर भी है कि एसिड और बेस का इंडिकेटर अगर पूछा जाए तो उसमें लिटमस पेपर डाल सकते हैं। टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, ये सब इंडिकेटर्स में आते हैं कि इंडिकेट करता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। एसिड का पीएच जो रेंज होगा वो 0 to 7 होगा। पीएच वैल्यू होता है 0 to 14 तक, तो 0 to 7 जो जिसका होगा वैल्यू, पीएच वैल्यू उसमें बोलते उसको बोलते हैं एसिड, और पीएच वैल्यू जिसका 7 to 14 होगा उसको बोलेंगे बेसिस। और पीएच वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको पीएच वैल्यू। एसिड फॉर्म हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन, अब एक्वस सॉल्यूशन बात करते हैं तो ये वाटर में जो सॉल्वेट डिजोल्व कर रहा है एसिड को तो वो बन गया एक्वस सॉल्यूशन, तो उस वक्त वो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन आयन देता है एसिड, और बेस देता है हाइड्रोक्साइड आयन OH-, ये देता है बेस और हाइड्रोजन आयन देता है कौन, एसिड देता है। तो ये दोनों तो सिंपल डिफरेंस थे एसिड और बेस के। अभी कुछ रिएक्शंस भी है इसमें जो आगे आपको वीडियो में मिलेंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आता है कि क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, कि सॉल्ट एंड वाटर बनाने के जो रिएक्शन बोल रहे हैं एसिड और बेस से उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रल से भी समझ में आएगा, न्यूट्रल हो गया ना, एसिड रहा ना बेस रह गया, तो क्या हो गया, तो सॉल्ट हो गया, तो वो सॉल्ट और वाटर देता है। जैसे ये हम लोग देखते हैं HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक सोल्यूशन ले ली, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड है, ये अब क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करेगा NaCl, NaCl सॉल्ट है जो हम लोग घर में भी यूज करते हैं, और क्या देगा, तो वाटर देगा। तो ये जो रिएक्शन हो गया ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और भी इसमें बहुत सारे रिएक्शन है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा बनाएगा, बेस के रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो ये सारे डिफरेंसेस थे एसिड और बेस के। तो इतना हम लोग जनरली ऐसे ही अपने घर में भी जान सकते हैं कि एसिड जो खट्टा है वो क्या है, एसिड है, जो स्लिपरी टच है, तीखा है, मतलब कड़वा है, वो क्या है, बेसिस है। जैसे साबुन डिटर्जेंट जितना भी है तो उसमें क्या है, बेस मिला हुआ है, स्लिपरी इन टच, टच करने में स्लिपरी है। एसिड जो होता है कोरोसिव होता है, ज्वलनशील है, जलाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे आपको इस पे और भी वीडियो मिलेंगे।